क्यों यहां आने से पहले जो भी विषय देखता था उसके पीछे भाग लेता था मन। सबसे बड़ा साधन मन का होती है आंखें, आंखें रथ है मन का। जो भी चीज देखे पैसा दिखे, पैसा कमाना और दिखे औरत के पद से भाग लिया, वैसे वासनाओं में पागल था। क्या बताया यहां आने के बाद मन की वो प्रवृत्ति बदल गई, क्या बता पाए। विश्वास से अपना नाता जोड़ू था जाए मत कई जन्म में चोरस मचोड़ू था लकड़न की पर लकड़िया ना जा था चाह के ना टूटे थी भोज की बेड़ी या करड़ी धजरी थी पाक कहीं शक्ति से तेरे ना
हमारा भाई काला कहां इस रड़ी से भाई 101 रुपए से अपना आशीर्वाद देता भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अर्ज भी मन सध्या विषय वासनाओं से हटया तो धन ध्यान लगने लगा तुरंत न्यू तो लग डामा डोल रहा करता पर तेरे धाम में आकर जिस दिन मन माथा टेकया उस दिन पाछे यो मन स्थिर हो गया और पीप तो बैठते डाला का बाबा क्या बता दूसरी कदम बोला छलन है जो जग है वो है सत्का मार्ग जाने नशे पत्ते और हो गया याती जन्म जन्म बस खाक छाने नशे पत्ते और ये रमन चित पुती करके काबू किन्नू बचता ध्यान करूं काम क्रोध मद लोभ मोह का मन तारण असनान करूं लगा खेचरी कट के अंदर अमृत का निपान करूं लगा खेचरी कट के अंदर अमृत का निपान करूं मारे भीतर राम और श्याम हमसे खोज सेवक 101 रुपए से अपना शुरुआत देते बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अर्जबिया ध्यान की यात्रा चली तो मैं स्वर्ग लोक भी दिखा इस छोटे से पिंड रूपी ब्रह्मांड में मन स्वर्ग लोक भी दिखाई दिया वे अप्सरा भी दिखी वे सारे देवी देवता मन भीतर दिखे जब मन खेचरी मुद्रा लगाई ध्यान लगाया तो सारा ब्रह्मांड खुल गया क्या बताया तीसरी कली दिखाई घूम रही कहीं अप्सरा की शुरू आत्मा हुई गुदगुदी साच को कई बार दरिया की ये मन चित बुद्धि अंतर के कब किन्नू बक्ता ध्यान करूं काम क्रोध मद लोभ मोह का मलतारण असमान करू लगा खेचरी कट के अंदर नम्र ये सर्प अरे जो
सेवक नावत ए पच रही गई सेवक नावत आरे का जब दास होया कृष्ण नाथ पहाड़ी आरे के चरणों में जब वास होया खेमचंद जी के द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश होया दया निधिया अटोर हाथ ते छूटना कह सिद्धि पूरी पवन ध्यान बिन आवा कपन यो छूटे ना कह सिद्धि पूरी पवन ध्यान बिन आवा कपन यो छूटे ना तेरे चरणों में प्रणाम